हेलो गेमर्स, कैसे हो सब। तो पबजी मोबाइल का एक और गेम प्ले वीडियो लेके आज का यार। इस गेम प्ले के अंदर भी आपको 20 प्लस किल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम जल्दी से गन फाइंड करके कैसे बंदों को मारते हैं देखो। अभी पास वाले घर से फुटप्रिंट्स आ रहे थे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुश कर देता हूँ इसके ऊपर। एंड जैसे मैं जाता हूँ तो इसके पास कुछ भी लूट नहीं थी और पता नहीं इसका नेट नहीं चल रहा था, तो मैं इसको इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अभी सामने वाले घर में एक एनिमी दिखता है तो मैं उस पर कुछ हिट्स देने की कोशिश करता हूँ, बट वो बच जाता है। एंड अभी देखना, एक और बंदे को मैं बहुत गंदा डैमेज दूंगा लेकिन फिर भी वो नॉक नहीं होता है। अभी मेरे पास एमओ हो चुकी है ख़त्म और अभी मुझे वापस मैं जाऊंगा और अच्छे से यहाँ पे लूट के फिर से दोबारा से इनके ऊपर रश करूंगा। तो अभी आप देखो क्या होता है। तो एक बंदा यहाँ पे सामने से ही आके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो वो नोक उसको हमने कर दिया। एंड इसके बाद देखो क्या होता है। यहाँ पे एक बंदा शॉटगन से हिट्स देने की कोशिश करता है एंड दूसरा सामने से ही भागा हुआ आ रहा था, लेकिन मेरी AKM यहाँ पे रिलोड मांग जाती है एंड वो इतने में रोटेट करके राइट साइड में आ जाता है। तो मैं दोबारा से जाता हूँ राइट साइड एंड फिर देखो क्या होता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे डैमेज दे दिया एंड इतने में ऊपर इसी घर में एक और बंदा होता है जो भाग के मेरे पास आता है एंड फिर भागने की कोशिश करता है। शायद इसका नेट नहीं चल रहा था या क्या था सीन। तो इसको मैं इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं साइड से जाने की कोशिश करता हूँ तो सामने एक और बंदा मुझे देखने को मिलता है एंड इसको मैं इजीली यहाँ पे नॉक करता हूँ। एंड एकदम से ये राइट को जाता है एंड फिर से लेफ्ट को आता है। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये हैकर था या क्या था, लेकिन मैं इसको इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर राइट वाले घर में एक एनिमी दिखता है, जैसे मैं उसको स्प्रे देता हूँ तो वो साइड में चला जाता है एंड उसको कोई भी हिट नहीं पहुँचता है। और अभी देखना, यहाँ पे वो सामने में भाग के जाऊँगा एंड वो मेरे पे फायर करेगा एंड मैं दोबारा से जैसे करूँगा तो वो साइड में चला जाता है। यार तो नोक नहीं हो रहा था एंड अभी देखो कितना शानदार मैं इसको मारता हूँ। तो भाई इसको मैंने बहुत ही गंदे तरीके से मारा है, तो इसके लिए यार नीचे एक लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। एंड अभी इसका टीममेट भी आ जाता है और वो उसको रिवाइव करने जाता है, तो अभी पुश करने का मेरे पास मौका था तो मैं जल्दी से जाता हूँ एंड देखो फिर क्या होता है। जो नोक था उसको मैं किल कर देता हूँ एंड उसके बाद दूसरे को जैसे मारने जाता हूँ तो AKM रीलोड पे चलेगी एंड उसकी गन भी रीलोड पे चलेगी और बड़ी मुश्किल से इसको किल करता हूँ। एंड इतने में एक बोट को पता चल जाता है, नीचे से एक हरामी बोट आता है, उसको पता होता है इसकी हेल्थ कम है, बहुत जल्दी से भागा आएगा देखो। एंड देखो इसको कैसे मारते हैं। तो यार इस तरह से जब आप फाइट कर रहे होते हो तो वोट इसी वजह से आता है कि जल्दी से जाके मैं उसको किल कर दूं। और कई बार आप भी मरे होंगे, अगर मरे हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जैसे मैं यहाँ से आगे की तरफ जाता हूँ तो सामने एक बंदा लूट कर रहा था या फिर TPP ले रहा था, तो उसके ऊपर कुछ हिट्स देते हैं एंड वो फिर से साइड में चला जाता। तो आज यही हो रहा था पोचिंग की में। एंड इसके बाद मैं जैसे ही आगे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे एक बंदा लूट करने आता है, इसको इजिली यहाँ पे नॉक करके फिनिश करने की कोशिश करते हैं। इतने में इसके जो बंदा था उसने मेरे पे फायर किया एंड मुझे लोकेशन पता चल चुकी थी एंड मैंने इजिली इन दोनों को नॉक करके फिनिश कर दिया। तो जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ सामने वाले घर से मुझे फुटप्रिंट्स आ रहे थे एंड मैं इसको देखो कैसे मारता हूँ। तो इस बंदे को इजीली यहाँ पे हमने किल कर दिया है एंड शायद उस टीम का ये बंदा था और पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। अभी एक और बंदा था जो घर के ऊपर था या कहीं और था, तो उसको हम देखो कैसे मारते हैं। तो ये बंदा इस घर के अंदर था, जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं एक स्मोक फेंकता हूँ एंड वो स्मोक नीचे आ जाती है एंड एक और स्मोक यहाँ पे करता हूँ और डायरेक्ट मैं पुश नहीं करना चाहता था। एंड अभी देखो क्या होता है।
तो मैं दूसरे घर में जाता हूँ, दोबारा से यहाँ पे ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा था एंड छिपा हुआ बैठा था। तो अभी मुझे बंदा दिख चुका था एंड इसको मैं यहाँ पे कुछ हिट्स देके आसानी से इसको भी किल कर देता हूँ। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पोचिंकी से, अभी देखो क्या होता है। तो जैसे मैं यहाँ से जा रहा था तो पीछे की तरफ देखते हुए गाड़ी यहाँ पे ठुक जाती है एंड अभी देखो मैं पैदल हो जाता हूँ और रास्ते में एक गाड़ी दिखती है, तो उसको देखो कैसे मारते हैं। तो ये पूरी स्क्वाड थी एंड मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी यार मैंने यहाँ पे गोली चला दी एंड फिर भी वो नहीं रुके। मतलब वो आगे जाके रुकते हैं पोचिंकी में, लेकिन यहाँ पे नहीं रुकते हैं और डायरेक्ट पुश नहीं करते। अगर पुश कर जाते तो मेरे चांसेस थे यहाँ पे मरने के, क्योंकि ये चार बंदे थे। एंड यहाँ पे देखो मैं कुछ स्प्रे देता हूँ एंड फिर देखो क्या होता है। एंड इसके बाद मैं यहाँ से बाइक उठाता हूँ एंड बाइक उठा के फिर इनके ऊपर डायरेक्ट रश कर देता हूँ, तो देखो फिर क्या होता है। मुझे सामने वाले घर से कुछ फुट स्टेप्स आ रहे थे तो मैं डायरेक्ट इनके ऊपर पुश करता हूँ एंड यहाँ पे देखो क्या होता है। तो यहाँ पे एक बंदा अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नॉक कर देता हूँ इसको ईजिली एंड इसके बाद देखो क्या होता है। यहाँ पे एक और बंदा आता, उसको भी मैं इजीली यहाँ से नॉक कर देता हूँ एंड रोटेट करके मैं राइट से जाता हूँ एंड एकेएम को रिलोड करते हुए जैसे जाता हूँ फिर देखो क्या होता है। तो मैं इन दोनों बंदों को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ एंड एक सामने और बंदा था एंड एक को मैंने नॉक कर रखा था, लास्ट बंदा बचा हुआ था, तो इसको हम देखो कैसे मारते हैं। तो ये हो चुकी थी स्क्वाड वाइफ एंड अभी हो चुके थे 17 किल। तो प्लीज़ यार इस स्क्वाड वाइफ के लिए लाइक तो बनता है, तो नीचे लाइक जरूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। एंड अभी मैं यहाँ पे बंदों को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बंदे दिख ही नहीं रहे थे। तो जैसे मैं आगे की साइड में जाता हूँ तो यहाँ पे सामने एक गाड़ी को एक्सचेंज करते हुए बंदे दिखते हैं, तो जैसे दिखते हैं तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ एंड इनको स्प्रे देता हूँ। अभी एक बंदा इनका नॉक हो चुका था, अब मेरे को डायरेक्ट पुश करना था, लेकिन इतने में एक और टीम का बंदा आता है और वो लास्ट में आपको पता चलेगा वो एक और टीम का बंदा था एंड मैं वहाँ पे डायरेक्ट पुश नहीं करना चाहता हूँ। पहले मैं दूसरी टीम वाला जो बंदा आगे आया था उसको मैं किल करने की सोचता हूँ एंड फिर देखो क्या होता है। मुझे फुटस्टेप्स इस घर से आ रहे थे एंड वो बंदा ऊपर हेल्थ भी कर रहा था, तो मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ एंड फिर देखो क्या होता है। तो ये बंदे ने ग्रोजा से मुझे इजीली किल कर दिया, पता नहीं ये ग्लिच था या फिर इतना ज़्यादा डैमेज है ग्रोजा का। 17 किल के ऊपर हमारा स्टॉप लग चुका था। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स।